हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरी चैनल ब्यूटी बाय विनायफा में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे आउटफिट्स आपके लिए लेकर आई हूँ जो वेडिंग सीजन जो अभी शुरू हो चुका है उसमें आप अलग अलग तरीके से उन्हें स्टाइल करके अलग अलग तरह का लुक क्रिएट करके उन्हें अलग अलग फंक्शंस में पहन सकते हैं। और ये जो आउटफिट मैंने सिलेक्ट किए हैं वो काफ़ी वर्सेटाइल हैं और हमें ऐसे ही आउटफिट सिलेक्ट करने चाहिए जिन्हें हम अलग अलग दुपट्टों के साथ अलग अलग एक्सेसरीज के साथ अगर पेयर करें तो पूरा लुक डिफरेंट आ जाए और हम डिफरेंट फंक्शंस में उसी आउटफिट को अलग अलग तरीके से स्टाइल करके पहन सकते हैं और अलग अलग लुक क्रिएट कर सकते हैं। इससे हमारी सेविंग भी हो जाएगी और हम हर पार्टी के लिए प्रिपेयर होंगे, हमारे आउटफिट्स रेडी होंगे। आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं या नहीं मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अब वीडियो हम शुरू करते हैं और सबसे पहली आइटम जो मैंने सिलेक्ट की है इस फैशन हॉल के लिए वो है कुछ दुपट्टे। टू बी प्रिसाइज 3 दुपट्टे हैं जो मैंने सिलेक्ट किए हैं। तीनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत अलग है एक दूसरे से, क्योंकि दुपट्टे ऐसी चीज़ होती है जिन्हें आप किसी भी चीज़ के साथ स्टाइल कर दीजिए तो वो आउटफिट का पूरा लुक चेंज कर देता है। आप दुपट्टे को किस तरह से ड्रेप करते हैं, किस तरह से उसे पहनते हैं, किस तरह से उसे कैरी करते हैं, ये चीज़ बहुत मायने रखती है और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से आपका पूरा एक लुक डिफरेंट क्रिएट हो जाता है। तो सबसे पहला दुपट्टा जो मैंने खरीदा है वो है दुपट्टा बाजार से, शिफॉन का दुपट्टा है, मजेंटा पिंक कलर है इसका। पूरे दुपट्टे पे इस तरह से गोल्डन डॉट्स की एम्बेलिशमेंट है और ये साइड में 1 इंच की पूरी पाइपिंग दी गई है गोल्ड की। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये दुपट्टा। किसी भी प्लेन आउटफिट को अगर आप ये दुपट्टे के साथ कॉम्बिनेशन में पहनेंगे तो आपका वो प्लेन आउटफिट भी वेडिंग अप्रोप्रिएट हो जाएगा, पार्टी अप्रोप्रिएट हो जाएगा। इस दुपट्टे की लेंथ और ब्रेथ दोनों भी बहुत अच्छी है, काफी लंबी लेंथ है इसकी, फुल लेंथ जैसे हम कहते हैं वैसा है ये। तो इसे किसी भी तरह से स्टाइल कर सकते हैं, चाहे तो इसे चनिया चोली की चुन्नी की तरह पिन करके भी स्टाइल कर सकते हैं, नॉर्मल दुपट्टे की तरह भी कैरी कर सकते हैं, एक साइड पे भी कैरी कर सकते हैं। मेरी हाइट 5 फीट 2 इंचेस है तो मुझे ये 1 साइड कैरी करने पर थोड़ा सा लंबा पड़ता है, बट अगर आपकी हाइट ज़्यादा लंबी है तो आप इसे 1 साइड भी कैरी कर सकते हैं। ये दुपट्टा मुझे मिला है 399 रुपीज़ में, यानी 400 रुपीज़ का ये दुपट्टा है और बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा है। अगर आप इसे प्लेन व्हाइट या प्लेन ब्लैक के साथ पेयर करते हैं, मैंने इसे प्लेन ब्लैक के साथ पेयर किया है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। इसे आप प्लेन व्हाइट के साथ या गोल्डन सलवार के साथ ही या फिर गोल्डन स्कर्ट के साथ पेयर कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप इसे पेयर करके पहन सकते हैं। तो ये था मेरा पहला दुपट्टा। अब अगला जो दुपट्टा है वो भी दुपट्टा बाजार से ही है। दुपट्टा बाजार के दुपट्टे बहुत अच्छे आते हैं और ये जो दुपट्टा है वो नेट का है। नेट पर पूरी तरह से एम्ब्रॉयडरी का जाल बनाया गया है इस तरह से और काफी शाइनिंग मतलब धागे लिए गए हैं इसमें। ये जो नेट है थोड़ी सी थिक नेट है, एकदम सॉफ्ट नेट नहीं है, थोड़ी सी थिक है तो ड्रेप होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट एक बार अच्छे से आपने इसे पिन वगैरह कर दिया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इसमें भी इस तरह से गोल्डन पट्टी दी गई है, चारों साइड पे ये गोल्डन पट्टी है, फुल लेंथ दुपट्टा है। वो जो मजेंटा पिंक वाला जो दुपट्टा था उसकी लेंथ इससे ज्यादा थी, इसकी लेंथ उतनी नहीं है बट फिर भी बहुत डिसेंट लेंथ है। मेरे हाइट के लोगों के लिए तो बहुत डिसेंट लेंथ है। मुझे ये दुपट्टा काफी अच्छा लगा, इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी लगी और मैंने इसे भी प्लेन ब्लैक आउटफिट के साथ पेयर किया है और आप देख पाएंगे कि लुक कितना डिफरेंट क्रिएट हो जाता है। पहले दुपट्टे के साथ जो लुक क्रिएट हुआ था और अब जो लुक क्रिएट हुआ है दोनों में कितना डिफरेंस है, और मतलब आप एक ही आउटफिट को कैसे 2 अलग दुपट्टों के साथ बिल्कुल अलग ही लुक के साथ कैरी कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने सेम जो आउटफिट है वो पहना है, सिर्फ दुपट्टा चेंज किया है। अब जो तीसरा दुपट्टा है वो भी बिल्कुल अलग है,
इन दो दुपट्टों से। उसका कलर है इस तरह से ग्रीन कलर में है। नेट का दुपट्टा है, इसकी नेट बहुत सॉफ्ट है गाइस, कंफर्टेबल है और इतनी खूबसूरती से ड्रेप हो जाता है ना कि क्या बताऊं। इसमें आपको इस तरह से साइड में लेस का काम किया गया मिलता है, पूरे दुपट्टे पे इस तरह से जाल है, वाइट लखनवी चिकन वर्क की तरह काम किया गया है वाइट थ्रेड से, और गोल्डन थ्रेड का यहाँ पे जरी का भी काम किया गया है, और इसी तरह की लेस है पूरी चारों साइड पे इस तरह से, कॉर्नर में लेस है और उसके ऊपर गोल्डन पाइपिंग का काम किया गया है। बहुत ही सफाई से काम किया गया है, कहीं से कोई धागे नहीं निकल रहे हैं, कुछ नहीं, बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा है, फुल लेंथ दुपट्टा है, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। इसे आप गोल्डन चोली के साथ भी अगर पेयर करेंगे ना तो बहुत खूबसूरत लगेगा। मैंने अगेन इसे प्लेन ब्लैक आउटफिट के साथ पेयर किया है क्योंकि मैं दिखाना चाहती थी कि एक ही आउटफिट को आप तीन अलग दुपट्टों के साथ कितनी अलग तरीके से वैरायटी क्रिएट करके पहन सकते हैं। बट आप चाहे तो इसे गोल्डन आउटफिट के साथ भी पेयर कर सकते हैं, व्हाइट के साथ पेयर कर सकते हैं, ब्लैक के साथ पेयर कर सकते हैं, इनफैक्ट कोई भी जो ब्लूइश ग्रीनिश या लेमन कलर या गोल्डन कलर के जो ऐसे कलर्स हैं उसके साथ आप इसे पेयर करके पहन सकते हैं। तो ये बहुत ही वर्सेटाइल हो जाता है, और ये दुपट्टा है आर आर फैशन ब्रांड से, और ये मुझे मिला है 499 रुपीज में। जो गोल्डन वाला दुपट्टा था इसका प्राइस मैं आपको बताना भूल गई, ये 449 रुपीज का मुझे मिला है, और अभी वाले दुपट्टे का तो मैंने आपको प्राइस बता दिया। तो अब मैंने इन्हें पेयर करने के लिए जो आउटफिट मंगवाया है उसके बारे में मैं बात करती हूँ। तो स्टूडियो श्रृंगार का मैंने ये स्कर्ट लिया है, ब्लैक कलर का स्कर्ट है, पूरा प्लेन स्कर्ट है लेकिन नीचे इस तरह से गोल्डन पाइपिंग दी गई है। तो मैंने जो भी दुपट्टे मंगाए हैं इसके साथ ये अच्छे से पेयर हो जाता है। ये कॉटन मिक्स मटेरियल है, बहुत ही अच्छा मटेरियल है, इसके अंदर आपको पूरा अस्तर दिया गया है और अस्तर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, पॉलिएस्टर टाइप का अस्तर है, बहुत ही काफी काफी अच्छी क्वालिटी है। और इसका फुल घेर है, मतलब डबल घेर का लहंगा है ये, और इसमें इस तरह से साइड में आपको ड्रॉस्ट्रिंग्स मिल जाती हैं और कंसील्ड जिप भी मिल जाती है यहाँ पे, तो इस तरह से आप इसे पहन सकते हैं। और ये जो लहंगा है ये 40, 42, 44 इंच वाले वेस्ट तक भी लोग इसे पहन सकते हैं। इसकी जो लंबाई है ना दोस्तों वो 44 इंचेस है, तो मुझे तो ये काफी लंबा पड़ता है, बट मुझे इसका फॉल अच्छा लगता है, हील्स के साथ मैं पहन सकती हूँ। बट अगर आपकी हाइट मुझसे ज्यादा है, 5 फीट 4, 5 फीट 5 है आपकी हाइट, तो ये आपको परफेक्टली फिट हो जाएगा, लेकिन अगर आप 5 फीट से कम के हैं तो फिर ये आपको बहुत ज्यादा लंबा पड़ेगा, मतलब हील्स के साथ भी आपको काफी लंबा पड़ेगा। बाकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट काफी अच्छा है, इस मटेरियल इटसेल्फ में एक तरह की शाइन है जो इसे पार्टी अप्रोप्रिएट बना देता है, तो आप किसी भी पार्टी में वेडिंग में इसे पहन सकते हैं। और ये जो लहंगा बोल दीजिए स्कर्ट बोल लीजिए मुझे मिला है 849 रुपीज में। दोस्तों ये जो स्कर्ट है इसमें आपको और भी कई कलर्स मिल जाएंगे, तो अगर आप ब्लैक नहीं खरीदना चाहते तो और भी कई कलर्स की वैरायटी आपको मिल जाएगी, और प्लस साइज में भी आपको ये स्कर्ट मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पीस ऑफ क्लोथिंग की तरफ चलते हैं जो मैंने खरीदा है, और ये है ये ब्लैक टॉप, पूरा प्लेन ब्लैक टॉप है, और विंटर्स भी आने वाले हैं तो ये पूरी लॉन्ग स्लीव है और जर्सी टाइप की मटेरियल है, तो बॉडी पर बहुत अच्छे से फिट बैठ जाता है। इसमें नेक भी बंद है तो विंटर्स के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, विंटर्स में अगर आप शादियों में जाने वाले हैं, पार्टीज करने वाले हैं, तो ये टॉप को आप ट्राउजर्स पैंट्स जीन्स किसी के साथ पेयर कर सकते हैं। मैंने इसे ये ट्रेडिशनल स्कर्ट के साथ पेयर किया, इसके ऊपर दुपट्टे लगाए और इसे ट्रेडिशनल बना दिया। तो ये इस तरह से इसकी लेंथ है, बहुत ही प्यारा सा ब्लैक टॉप है, इली लंदन ब्रांड से है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, मटेरियल बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं इस मटेरियल में भी हल्की सी शाइनिंग है, तो इससे ये पार्टी अप्रोप्रिएट बन जाता है। ये मुझे मिला है 499 रुपीज में। और इसके बाद जो लास्ट सेट है जो मैंने मंगवाया है, ये मैंने किसी के साथ पेयर नहीं किया, ये मैंने बिल्कुल अलग से ही मंगवाया है, क्योंकि हर शादी में मैं पूरा ब्लैक पहन के जाऊंगी और तीन अलग अलग दुपट्टे लगाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ऑब्वियसली मैंने आपको अपने एक प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मुझे मेरे एक साउथ इंडियन फ्रेंड की शादी में जाना है, तो उसके लिए मैंने एक आउटफिट खरीदा है जो
काफी एथनिक और काफी साउथ इंडियन वेडिंग अप्रोप्रिएट है। ये पूरा स्कर्ट आता है, पूरा मरून कलर का स्कर्ट है, पूरी इलास्टिक है ऊपर आगे पीछे दोनों साइड से, और नीचे इस तरह से गोल्डन फॉइल प्रिंट का काम किया गया है। इसका भी फ्लेयर अच्छा है, उतना फ्लेयर नहीं है बट काफी अच्छा फ्लेयर है। इसके साथ में मुझे मिला है ये नेवी ब्लू कलर का कुर्ता, जिसमें आगे यहाँ पे फॉइल प्रिंट की गई है इस तरह से, और 3/4 स्लीव्स हैं, स्लीव्स पर भी गोल्डन फॉइल प्रिंट है, बाकी नीचे से ये पूरा प्लेन है, पीछे से भी पूरा प्लेन है। कुर्ता काफी लंबा है, नी से नीचे जाता है लेंथ में, और यहाँ पे साइड में इस तरह से रफल्स दिए गए हैं जो इसे बहुत ज्यादा स्टाइलिश बना देता है। साइड में कट्स भी दिए गए हैं इस तरह से, साइड कट्स हैं इस कुर्ते में, और दोनों कुर्ता और स्कर्ट रेयन मटेरियल में है। और ये पूरा सेट मुझे मिला है 759 रुपीज में। इसे मैं सोच रही हूँ जो गोल्डन दुपट्टा मैंने लिया है उसके साथ मैं पेयर करके पहनूंगी। और मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, मैंने कुछ साउथ इंडियन स्टाइल की ज्वेलरी भी खरीदी है, तो उसके साथ मैं इसे पेयर करूंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने वो ज्वेलरीज दिखाई है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप वो वीडियो भी जरूर चेक कर लीजिए। तो ये था मेरा आज का पूरा वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको इनमें से कौन सा आउटफिट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कौन सा स्टाइलिंग आइडिया आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। मेरी चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय। Thank you.